स्वागत है आप सब का मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के पूरे किए हुए कामों पर विश्वास करें, जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 19 उसकी 30 आयत में लिखा है, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए, हमें डिप्रेशन से आजाद करने के लिए अपने सिर पर कांटों का ताज रखवाया, हमारे पापों को क्रूस पर खत्म किया और हमारे उद्धार के कामों को क्रूस पर पूरा किया। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वचन में ये नहीं लिखा कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाएंगे, वचन में लिखा है कि आप चंगे हो चुके हैं। अब आपको परमेश्वर के खत्म किए गए कामों पर विश्वास करना है और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा करना है। परमेश्वर ने आपकी चंगाई के लिए अब दोबारा कोड़े नहीं खाने, आपको डिप्रेशन से आजाद करने के लिए दोबारा से कांटों का ताज नहीं पहनना, परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। यदि आप इंतजार कर रहे हैं कि एक न एक दिन परमेश्वर मुझे आजाद करेगा, तो आप फिर 10 वर्ष भी इंतजार करते रहेंगे फिर भी आजादी और चंगाई ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लूका अध्याय 10 उसके 19 आयत में परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। याद रखें, अब परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को नहीं निकालना, अब आपने दुष्ट आत्मा को निकालना है। अब परमेश्वर ने आपको चंगा नहीं करना, वो आपकी चंगाई के लिए कोड़े खा चुका है। अब आपने परमेश्वर के पूरे किए हुए कामों पर विश्वास करना है और अपने जीवन में पूरा करना है। आपने अंगीकार करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। एक लंबे चौड़े व्यक्ति की भर्ती फौज में हो जाती है, परंतु उसका सिर्फ लंबा होना उसको जीत नहीं दिला सकता, जीतने के लिए उसको लड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आप जन्म से मसीह में हैं, आपकी भर्ती हो गई है, परंतु जीतने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। परंतु हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, किसी धर्म और जात से नहीं, बल्कि शैतान के साथ है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में बढ़े और परमेश्वर के खत्म किए गए कामों को अपने जीवन में पूरा करें, तब परमेश्वर के वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं पवित्रताई में आपके वचनों में बना रहूं और एक योद्धा बनूं और अपनी इस मसीही दौड़ को पूरी करूं और विजयी जीवन जीऊं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।